वेलकम बैक दोस्तों, फिर से आप सभी को एक नई वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी अभी YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है साउथ की पांच बड़े धमाकेदार सुपरहिट हिंदी डबड मूवी। आप इसी टॉप फाइव मूवी को डायरेक्ट YouTube पर जाके भी देख सकती हो। तो दोस्तों इसी टॉप फाइव धमाकेदार सुपरहिट हिंदी डबड मूवी कौन है और इसी सारी की सारी फिल्म कौन सी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, ऑफिशियली अवेलेबल है या अनऑफिशियली, और इसी सारी की सारी फिल्म में से कौन सी फिल्म अच्छा है और कौन सा फिल्म एवरेज है हम आपको बता देंगे। उससे पहले अगर आप साउथ फिल्म का बहुत ही बड़ी फैन और आपको रहता है सारी की सारी साउथ फिल्म का काफ़ी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे एक एक लाइक हमको काफ़ी सारे मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो और आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूले। इसी लिस्ट में जो पहला नंबर पर आती है वह 2014 को रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा तेलुगु लैंग्वेज फिल्म जिसका नाम है रन राजा रन, और इसी फिल्म का हिंदी डबड नाम भी सेम रखा गया है रन राजा रन। इसी फिल्म के अंदर सर्वानंद, शरद कपूर, सिंपाथराज और वैनिला किशोर आदि स्टार कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। मैं कमिश्नर हूँ, इसके लिए मेरी बेटी से शादी करना चाहता है क्या? कमिश्नर की बेटी का दिल नहीं होता है क्या? वो किसी से प्यार नहीं कर सकती है क्या? किसी को अपना पति नहीं बना सकती है क्या? दोस्तों इसी फिल्म की लाइक और रेटिंग की बात की जाए तो दोस्तों इसी फिल्म को IMDB के तरफ से 7.5 रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10 से, जो कि इसी फिल्म को 93% लोगों ने लाइक किया है यानी पसंद किया है। इसी फिल्म एक बहुत ही अच्छा खासा धमाकेदार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म। अगर आप इसी फिल्म को अभी तक हिंदी डबड में नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा इसी फिल्म को। गोल्डमाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके कभी भी देख सकती हो। इसी लिस्ट में जो दूसरी नंबर पर आती है वो है 2018 को रिलीज हुई ड्रामा थ्रिलर तमिल लैंग्वेज फिल्म जिसका नाम है अदंगा मारू, और इसी फिल्म का हिंदी डबड नाम रखा गया है वर्दी का दम। इसी फिल्म के अंदर जयम रवि और राशि कृष्ण आदि स्टार कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। सिस्टम की सिक्योरिटी को बढ़कर आया है, हर बारी से बारी चीज जानता है। इसी फिल्म की लाइक और रेटिंग की बात की जाए तो दोस्तों इसी फिल्म को IMDB के तरफ से 7.1 रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10 से, जो कि इसी फिल्म को 95% लोगों ने लाइक किया है यानी पसंद किया है। इसी फिल्म एक बहुत ही अच्छा खासा धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म। अगर आप इसी फिल्म को हिंदी डबड में देखने चाहती हो तो इसी फिल्म अब आदित्य मूवीज ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो चुकी है, आप उसे जाके भी आसानी से देख सकती हो। इसी लिस्ट में जो तीसरी नंबर पे आती है वो है नाग चैतन्य की 2016 रिलीज हुई रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है साहसम स्वासग सागीपू, जिसका हिंदी डबड नाम रखा गया है मुजरिम ना कहना, और इसी फिल्म के अंदर आपको लीड स्टार कास्ट में नजर आएंगे नाग चैतन्य और मंजिमा मोहन। और ना हम पुलिस है ना ही गैंगस्टर, वायलेंस क्या होता है ये हम नहीं जानते। दोस्तों इसी फिल्म की लाइक और रेटिंग की बात की जाए तो दोस्तों इसी फिल्म को IMDB के तरफ से 7.1 रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10 से, जो कि इसी फिल्म को 90% लोगों ने लाइक किया है यानी पसंद किया है। इसी फिल्म एक एवरेज टाइप का रोमांटिक थ्रिलर फिल्म। अगर आप इसी फिल्म को अभी तक हिंदी डबड में नहीं देखा है तो दोस्तों इसी फिल्म अब हिंदी डबड में यूट्यूब पर अनऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। मैं इसी फिल्म का लिंक हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है, आप उसे जाके डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकती हो। इसी लिस्ट में जो चौथी नंबर पे आती है वो है 2018 को रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी तेलुगु लैंग्वेज फिल्म जिसका नाम है अनंगा नग ओम प्रेम कथा, और इसी फिल्म का हिंदी डबड नाम रखा गया है एक जख्मी रोमियो। इसी फिल्म के अंदर बीरजा अश्विन और रिद्धि कुमार आदि स्टार कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। कौन है रे तू? मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, येड़ा हूँ, और प्यार के लिए कुछ भी कर जाओ ऐसा रोमियो भी हूँ। और इसी फिल्म के लाइक और रेटिंग की बात की जाए तो दोस्तों इसी फिल्म को IMDB के तरफ से 6.6 रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10 से, जो कि इसी फिल्म को 84% लोगों ने लाइक किया है यानी पसंद किया है। इसी फिल्म एक रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म है। अगर आपको रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म पसंद है तो इसी फिल्म आप लोगों के लिए है। अगर आप इसी फिल्म को हिंदी डबड में देखने चाहती हो तो इसी फिल्म अब हिंदी डबड में एक अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो चुकी है। मैंने इसी फिल्म का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है, आप उसे जाके डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकती हो। इसी लिस्ट में जो पांचवा नंबर पे आती है वो है विजय एंटोनी की 2017 में रिलीज हुई ड्रामा थ्रिलर तमिल लैंग्वेज फिल्म जिसका नाम है यमन, और इसी फिल्म का हिंदी डबड नाम सेम ही रखा गया है यमन। और इसी फिल्म के अंदर लीड स्टार कास्ट में नजर आएंगे विजय एंटोनी, माया और थंगारंजन आदि स्टार कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।
से नहीं दिमाग से जीती जाती है बेटा। मैंने तय कर लिया, मैं राजनीति में उतरूंगा। मेरे काम के बीच टांग अड़ाने वाला वो होता कौन है? ये आपके लिए महज एक पॉलिटिकल रैली होगी, लेकिन मेरे लिए ये रणभूमि है। और दोस्तों इसी फिल्म के लाइक और रेटिंग की बात की जाए तो दोस्तों इसी फिल्म को IMDb के तरफ से 6.2 रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10 से, जो कि इसी फिल्म को 83% लोगों ने लाइक किया है यानी पसंद किया है। अगर आप ड्रामा थ्रिलर फिल्म को पसंद करती हो तो इसी फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आप इसी फिल्म को हिंदी डबड में देखने चाहती हो तो इसी फिल्म का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, आप उसे जाकर डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकती हो। दोस्तों अगर आप इसी तरह साउथ और बॉलीवुड फिल्म को डाउनलोड करके देखने चाहती हो तो हमारे टेलीग्राम पेज पे जाके ज्वाइन कीजिए। मैंने हमारे टेलीग्राम पेज का लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। दोस्तों यहीं तक थी आज का हमारी इस वीडियो, उम्मीद है कि आज का हमारी वीडियो आपको पसंद आई। अगर आज का हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।